19 मार्च 2018 और सोमवार का दिन। क्या हमेशा आपको कारोबार में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, या फिर पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं हुआ, या परिवार के साथ नहीं बैठ पा रहे, या परिवार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है? प्रयासों के बावजूद भी संतान को शिक्षा में सफलता नहीं मिली है, या फिर कोशिशों के बावजूद भी अपने आप के साथ नहीं है, या फिर सिरदर्द रहता है? इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान है आज का गुरु मंत्र नमो नारायण। हर रोज आपके सामने आता हूं और खाली आपसे ये कहना चाहता हूं, क्यों परेशान है दाती महाराज? आराध्य की साधना के बाद हमेशा आपके सामने आकर खाली इतना ही कहते हैं कि काय भयभीत है भाई, ओम शमशा नहीं चला है ना। देखिए इन आंखों में, और इन आंखों में देखते भी ओम शमशा नहीं चला है नमो, इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यह अद्भुत मंत्र है, जहां जिस रूप में मौका मिलता है ज्यादा से ज्यादा इस मंत्र का जाप करिए, जीवन में सदा खुशहाली रहे। और राष्ट्र के सामने हमेशा हृदय खोलता हूं भाई, दावे नहीं करता, विवाद नहीं, हृदय के भावों को लेके आता हूं, कहीं आपके काम आ जाऊं ये मेरा सौभाग्य, वरना मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं, दावे नहीं करता। इस राष्ट्र का सेवक, और विश्वास करिएगा, न राष्ट्र कोई बड़ा था, न कोई राष्ट्र बड़ा है, न होने की संभावना है, राष्ट्र सर्वोपरि है। और जो मनुष्य अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, परमात्मा भी ऐसे मनुष्य पर कृपा बरसाता है। अपने राष्ट्र से प्यार करिए, थोड़ा सा मुस्कराइए, और ओम शाम शनिश्चराय नमो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे कहा कि कारोबार में, जीवन में बाधाएं और रुकावट बहुत हैं, क्या करें? लाख कोशिशों के बावजूद भी जीवन की बाधाओं से मुक्ति नहीं मिल रही दाती महाराज, क्या करें? मेरे मित्र, ये उपाय बड़ा अचूक है, लेकिन इसे हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में करना होगा, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में इस उपाय करना। प्रातःकाल नित्य कर्म नो स्नान उपरांत सरसों के तेल का दीपक जलाएं, किसी मिट्टी के पात्र में श्रद्धा अनुसार सरसों का तेल भरकर अपने सामने रख दीजिए, सुदासन पर बैठिए, ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लिंग कृष्णाय नमः, इस मंत्र की 5 माला जाप करिए, और जाप के उपरांत ये जो सरसों का पात्र है, मिट्टी का पात्र, मिट्टी के पात्र में भरा हुआ सरसों का ये पात्र किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिए। लगातार 40 शनिवार कर देना, या लगातार 40 दिन कर देना, जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी। अद्भुत है, जो कभी खाली नहीं गया। बाकी मानो न मानो, आपकी मर्जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं तो अपने भाव और हृदय की धारा आपके सामने लेके आता हूं, बस इतना ही जानता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं सोमवार के पंचांग की। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2075, सोमवार का प्रातकालीन नक्षत्र, रेवती नक्षत्र चंद्रमा मीन राशि में। बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 19 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 19 मार्च आपका जन्मदिन, और निजगत कर्मों की वजह से आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो हमेशा माता पिता के चरण स्पर्श करें। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचिए, कोर्ट कचहरी के मामलों में बिना सोचे समझे मध्यस्थता नहीं करें। साथ ही हर रोज सूर्य उपासना करें, ओम घरणी सूर्या आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। परेशानियों से मुक्ति के लिए बिना जोड़ का तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण कर दी, इस उंगली में धारण करें, ये वाले अनामिका सारे कष्ट मिटेंगे। नमो नारायण। अगला कदम सितारों की ओर, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए बात करूंगा सोमवार के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि, गजबदी मंगल, और संपूर्ण गणनाओं की बात करूं, ग्रह गोचर की बात करूं मेष राशि वालों, तो सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत आज दे नहीं रही है, समय थोड़ा सा प्रतिकूल है। आक्रामक स्वभाव,
अपने विचारों को आप ला देंगे या अपनों की नहीं सुनेंगे तो बहुत सी परेशानियों का आज आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ना तो अपने विचार ला दें, ना थोड़े से आक्रामक रहे, और अपनों को साथ लेके चलेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा, लेकिन नहीं तो थोड़ी सी परेशानी है। व्यापार संबंधी बाधाओं से मन परेशान रहेगा, धन की हानि की संभावना है, मन में आलस और लापरवाही रही तो कार्य पूरे नहीं होंगे और दिन भर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तनाव है। ये गोचर का संकेत है मेष राशि वालों, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। दादी महाराज आपके साथ एक छोटा सा उपाय, श्रद्धानुसार गुड़ मिट्टी के पात्र में रखिए, शुद्ध गाय का दीपक जलाइए, ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। तत्पश्चात ये गुड़ किसी विधवा सफाई कर्मचारी महिला को दान में दे दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। क्या करें, पारिवारिक आवश्यकता पर ध्यान दीजिए थोड़ा। क्या ना करें, अधिकारी वर्ग से मतभेद ना हो इस बात का ध्यान रखें। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। राशि अधिपति शुक्र, और जिस तरह की आज गणनाएं हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन लाभदायक और सफलताओं से भरा हुआ है। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र गणनाएं आपके लिए अनुकूलता का संकेत दे रही है। साथ और पराक्रम बढ़ेगा, कारोबार में लाभ होगा, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, राजनीतिक और कारोबार के क्षेत्र में स्थिति बड़ी मजबूत होगी। जो भी कार्य करेंगे उसका सुफल तुरंत प्राप्त होगा, धन लाभ होगा और ननियाल से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। समय अनुकूल और सफलता से परिपूर्ण है, वृषभ राशि वालों लाभ उठाना चाहिए। क्या करें, यदि कोई आज शुभ और मांगलिक कार्य अपने परिवार और घर में संपन्न करना चाहते तो आपके लिए अच्छा संकेत है, जरूर करें। क्या ना करें, बहुत जरूरी, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करिए, दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी नहीं करिए। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, ग्रह नक्षत्र गणना यह कह रही कि लाभ मिलेगा, नक्षत्र गणना यह भी संकेत दे रही कि परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि प्रयास बड़े सार्थक होंगे, समय उत्तम है, पारिवारिक जिम्मेदारी को पूर्ण करने में सफल होंगे, कुटुंब और परिवार में इज्जत बढ़ेगी, स्वजनों का सहयोग मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और यात्रा से लाभ मिलेगा। बहुत सुंदर समय। क्या करें, वरिष्ठ लोगों से मेलजोल बनाइए। क्या ना करें, बेवजह किसी भी शंका ना करिए। नमो नारायण। मैं इस वृषभ मिथुन की बात करी, करक सिंह कन्या की बात करूं, उससे पहले सोमवार का राहुकाल और सोमवार यात्रा। सोमवार का राहुकाल प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक, और राहुकाल को शुभ कार्य करना, सौदे करना, पूजन में करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, सलाह मेरी, मर्जी आपकी। और बात करते आज की यात्रा की। उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय है। मेरे कहने के समय और साधनों में परिवर्तन आ गया, आज कुमकुम और केसर का तिलक लगाकर यात्रा पे निकलिए, कष्ट कम आएगा। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि चलो, गोचर मध्यम है, गुजार लग धन की प्राप्ति होगी, मनोकूल कार्य भी बनेंगे, सरकार से लाभ मिलेगा और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन अपनी उच्च महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा भाई, समाज में आपका सुयश भी बढ़ेगा, लेकिन व्यवसायिक रद्दोबदल नहीं करें तो बेहतर होगा। नमो नारायण। क्या करें, कानून के दायरे में रहकर काम करें। क्या ना करें, धन और समय का दुरुपयोग ना करें। नमो नारायण। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि सावधानी अपेक्षित है, आज आपके अपने ही आपको धोखा दे सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद की प्रबल संभावना है, कार्यों में आलस के कारण गतिरोध उत्पन्न होगा, आर्थिक तंगी महसूस करेंगे, किसी विशेष प्रसंग से की गई यात्रा हानिप्रद साबित होगी, क्योंकि गोचर आपके पक्ष में करवट नहीं ले, और सुबह से शाम तक गोचर इसी तरह का छोटा सा उपाय, और ये उपाय आज कर लेना। श्रद्धानुसार गेहूं किसी दिव्यांग व्यक्ति को जो उसको दान में दीजिए, जो पैरों से दिव्यांग हो, हाथों से दिव्यांग हो, उस व्यक्ति को दान दीजिए, अच्छा रहेगा।
क्या करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्या ना करें, किसी का दिल ना दुखाए ना मनाए। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ सितारों का शुभ संकेत। परिश्रम से प्रतियोगिता आदि में विजय प्राप्त होगी, धन संबंधी मामले सुलझेंगे, पिछली समस्याओं का समाधान मिलेगा, माता पिता और प्रियजनों के सहयोग से प्रसन्नता प्राप्त होगी और चल अचल संपत्ति का प्राप्ति का योग भी प्रबल नजर आ रहा है। न मना रहे, क्या करें, यदि कोई स्थान आदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो गोचर ठीक है, क्या ना करें, किसी से व्यर्थ में वाद विवाद ना करें, न मना रहे। करक सिंह कन्या की बात करी, तुला वशिक धनु की बात करूं, उससे पहले वास्तु सलाह राज का सुझाव। यदि आपके घर में तनाव रहता हो तो देखिए, घर में कहीं फालतू का टूटा फूटा सामान, फर्नीचर, कूड़ा कबाड़ा, बिजली का सामान कहीं इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। जब इस तरह का कबाड़ा इकट्ठा हो जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और उससे कलह बढ़ता है। तनाव से मुक्ति पाने के लिए इस कबाड़े को बाहर करिए, तुरंत राहत मिल जाएगी। नमन बात करते सुझाव की। आज सोमवार का दिन है, पारिवारिक सुख संतान को सफल और अपनों का साथ पाने के लिए दूध से बनी मिठाइयाँ श्रद्धानुसार गरीब मजदूर लोगों में बांटना बड़ा लाभकारी रहेगा, न मनाए। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, समय उत्तम सितारों का शुभ संकेत। परिवार में स्थिरता और सुव्यवस्था बनी रहेगी और व्यवसायिक क्षेत्र में भी जो सुविधाएं हैं वो समाप्त होगी, हर्डल समाप्त होंगे, रस्ते खुलेंगे, लोगों का साथ मिलेगा और लाभ के आश्वासन प्रबल होंगे। शुभ मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और सभी क्षेत्रों में आप विजय होंगे। नमन आ रहे, क्या करें, कारोबार के क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन कर सकते हैं, क्या ना करें, पारिवारिक समस्याओं को अनदेखा ना करें। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाल, गोचर ये कहता है, गोचर का यह संकेत है कि कार्य सफलता आपके ऊपर निर्भर रहेगी। यदि आपने थोड़ा सा क्रोध कम किया, आलस्य और प्रमाद का त्याग किया तो काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, रोजगार में सफलता मिलेगी, सरकारी मामले निपटेंगे और अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। बस थोड़ा सा आलस्य और प्रमाद का त्याग करना, हाँ, आय और व्यय को समानता से लेकर चलना होगा और संतान के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान दे देना। न मना रहे, क्या करें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखना बहुत जरूरी है आज के दिन, क्या ना करें, कोई नवीन कार्य प्रारंभ ना करें। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना होगा, नैतिकता का दामन पकड़ना होगा आज। कारोबार में अपनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, अन्यथा मोटा नुकसान होगा। यदि आपने अपनों को साथ नहीं चल लिया तो बनते हुए कार्य बिगड़ जाएंगे। स्वजनों का सहयोग लेना बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी कार्यशैली की वजह से स्वजनों का सहयोग भी नहीं मिल पाएगा, आपको विनम्रता रखनी पड़ेगी। मित्रों से मनमुटाव नहीं हो इस बात को ध्यान दें। आज धन की वजह से विशेष कार्य में अड़चन भी है और मानहानि की संभावना भी है। सुबह से लेकर शाम तक गोचर सावधानी का संकेत दे रहा, छोटा सा हुआ पका हुआ पपीता, किसी स्वाघन स्त्री को गरीब को दान में दीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्या करें, स्वजनों से मेल जोल बढ़ाएं, क्या ना करें, आज नवीन कार्य में पूंजी निवेश न करें, न मना रहे। तुला वृश्चिक धनु की बात करी, मकर कुंभ मीन की बात करूं, उससे पहले आज का उपाय अद्भुत देसी नुस्खे उपाय। परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, कामों में मन नहीं लग रहा है, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, ये उपाय आपके लिए बड़ा अच्छा और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। ये उपाय किसी भी माँ के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रारंभ करें और लगातार 3 दिन करें। त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल नित्यक्रम स्नान उपरांत अपने पूजा आसन में मिट्टी के 13 दीपक सरसों के तेल के जबाई, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शुद्ध आसन में बैठे ओम विष्णु लोक विलासना ही नमः, इस मंत्र की 14 माला जाप संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिले, अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया, न मना रहे। और बात करते हैं आज के नुस्खे। यदि आपको सिरदर्द रहता है,
डॉक्टर को जरूर दिखाई, और यह नुस्खा भी आपने, सिर के जिस हर हिस्से में दर्द हो उसके दूसरे हिस्से की तरफ नाक के छिद्र में एक बूंद शहद डालिए, लाभ मिल जाएगा। ये बहुत सुंदर नुस्खा है, न मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, ग्रहगोचर उत्तम सितारों का शुभ संकेत, प्रयासों की अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे, पूर्ववर्ती कार्यों का शुभ परिणाम आज प्राप्त होगा, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, परिवार का साथ प्यार और पैसा मिलेगा, परिजनों की आवाजाही से मन प्रसन्न रहेगा, अधिकारी वर्ग का सहयोग उन्नति में सहायक सिद्ध होगा, धन लाभ के साथ आज मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी मकर राशि वालों, और दिन अच्छा गुजर जाएगा। नमो नारायण। क्या करें मकर राशि वालों, कला और साहित्य के क्षेत्र में थोड़ा सा कार्य करिए, सफलता नजर आ रही है। क्या ना करें, आज कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करिए, गुप्त रूप से कोई कार्य और सौदा आज ना करिए, आपके लिए ठीक रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, गणनाय संकेत के काम बनेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, कारोबार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो सफलता आपका इंतजार करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे और अध्यात्म रुचि भी बढ़ेगी, बुजुर्गों के परामर्श पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो सारा दिन अच्छा बीजे। हाँ, खान पान की प्रति संयमित जरूर रहे। क्या करें, दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाने में आज थोड़ा सा अपना प्रयास बढ़ा दीजिए। क्या ना करें, कार्य क्षेत्र में कोई लापरवाही ना करें। नवनंद, बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, समय उत्तम, ग्रह गोचर पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है, परिवार में मेलजोल बढ़ेगा, प्रियजनों से मुलाकात होगी, कारोबार में सफलता मिलेगी और यात्रा बड़ी शुभ रहेगी, आज मन में प्रसन्नता महसूस करेंगे, साहस और हिम्मत से संकल्पित कार्य पूर्ण होंगे। नमो नारायण। क्या करें, मर्यादाओं का पालन करना आज बहुत जरूरी है। क्या ना करें, चिकित्सा की प्रति लापरवाही ना करें। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो ग्रहों पर आधारित था। मेरा निवेदन कि मेरे भाव है, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। छोटा सा ब्रेक ले लूं, और ब्रेक के बाद कैसे वैवाहिक परेशानियों से मुक्ति मिले, पूजा और मंत्र बताऊंगा, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ लोगों ने कहा, दाती महाराज, वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण बहुत रहता है, क्या करें, पति पत्नी में मनमुटाव रहता है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादी विवाह के मसले रुक जा रहे हैं, क्या कैसे पूजा करें। अरे भाई, महादेव को मनाएं, आज सोमवार का दिन है, आज नित्य क्रम स्नान उपरांत हर हर महादेव का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग में छास से अभिषेक करें, तत्पाद शुद्ध जल से स्नान करें, सरदार पंचोपचार पूजन करिए, सुदासन पे बैठ जाइए और रुद्राक्ष की माला ओम नित्य आश्रम पूजिताय नमः इस मंत्र की 7 माला जाए, भगवान शिव की कृपा से संपूर्ण पारिवारिक सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी और वैवाहिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नमन। और बात करते हैं सोमवार के जीवन में। निरंतर ध्यान और चिंतन, गुरु आज्ञा में रहते हुए, गुरु आज्ञा में रहते हुए निरंतर ध्यान और चिंतन से धीरे धीरे मानव भीतर मन उतरता है, धीरे धीरे मानव भीतर मन में उतरता है, सत्य को पहचानता है, परमानंद को पाता है, जब परम ज्ञान से उपलब्ध आनंद की अनुभूति ही सच्चिदानंद जब उसमें डूब जाता है तो स्वतः ही परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। नमो नारायण। अब समय है प्रभु के दर्शनों का और दर्शनों के लिए चलते दाती धाम। नमो नारायण। हरि ओम तत्सत्।
जय शनि देवा हरि ओम तत् सत् 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 जय शनि देवा नमो नाना आप सभी ने प्रभु दर्शन किया प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना गुरु मंत्र में आज इतना ही कल्पना गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं जन्मदिन का उपाय मंगलवार का राशिफल हनुमान जी को कैसे बनाए पूजा और मंत्र जीवन मंत्र सुझाव देसी उसके ऊपर वास्तु सलाह लगाऊंगा आज अपनी गलती अपने गुनाह और अपनी भूल की माफी मांगते अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण।